Stay with it. I cannot fuck with you, baby. You right. I cannot fuck with you, baby. You right. You are not for me. Goodbye. अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फ़ैमिली कैसे आप सब लोग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज का जो व्लॉग है वो मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट में मैं जो मैंने चाय बना ली थी बहुत थोड़ी सी और इसके साथ बन है तो जो मेरे व्लॉग देख को पता है कि मैं इतने शौक से चाय नहीं पीती हूँ तो मैंने बहुत कम थोड़ी सी चाय बनाई थी अपने लिए और इसके साथ फिर मैंने यहाँ पर बन ले लिया था तो बस वो मैं खा रही थी और आजकल मेरा ब्रेकफास्ट कुछ ऐसे ही हो रहा है तो कभी बंद खा लेती हूँ कभी फ्रूट्स खा लेती हूँ तो ऐसा कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कर रही तो इसलिए मैं ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं दिखाती तो यहाँ पर ये है दोपहर का क्लब और दोपहर में यहाँ पर बनी थी आलू चना पुलाव तो आलू चना बिरयानी है ये पुलाव निकल गया मेरे मुँह से और बहुत मज़ेदार सी बनी थी इसको मैं रेट करूँगी टेन आउट ऑफ नाइन और बहुत मज़े की बनी थी ये तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और मुझे पसंद है बिरयानी तो जो मेरे व्लाग्स हैं को पता है कि मुझे बिरयानी कितनी पसंद है तो मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ तो हमारे यहाँ हर तरह की बिरयानी बन गई है माशाल्लाह से और हमारे यहाँ बनती है बिरयानी तो सब बहुत शौक से खाते हैं तो फिर इसके बाद बिरयानी वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी कस्टर्ड बनाने तो ये मैंगो ट्राइफल है इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जल्दी से देख लें यहाँ पर ये यह है कप तो इसको मैंने गोल कट कर, कर लिया था और ये जो प्लेन केक होता है वो है आप लोग चाहें तो इसमें दूसरे केक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा जो फ्लेवर अच्छा आता है वो प्लेन केक का ही अच्छा आता है इसके साथ इसी का अच्छा फ्लेवर होता है तो यहाँ पर इसकी मैंने लेयरिंग कर दी सबसे पहले और साइड में मैंने यहाँ पर फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं जिसमें है ये एप्पल और मैंगोस तो आम मैंगो या आम जो उसको आप लोग कोशिश करिएगा कि मीठे वाले हों तो वरना अगर आप लोग खट्टे वाले लेंगे तो उसका मज़ा ख़राब हो जाएगा और फिर ये सब चीज़ें लेकर इसके साथ फिर यहाँ पर ये यह कस्टर्ड है सिंपल वनीला कस्टर्ड लिया है मुझे मैंगो कस्टर्ड नहीं मिला था वरना मैं मैंगो यूज़ करती और फिर यहाँ पर इसकी मैं आप लोग को एक ट्रांजिशन दिखाऊँगी तो ये मुझसे लेयरिंग नहीं हो रही थी एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था फिर ये बन गया मेरा कस्टर्ड और ये तैयार है मेरा कस्टर्ड और इससे एक से मैंने डेकोरेशन कर दी थी तो कस्टर्ड को मैंने सिंपल आ, कस्टर्ड पाउडर और चीनी डाल के इसको जैसा बनता है पैकेट में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वैसे बना लिया और इसको फिर रख दें आप लोग फ्रीज करने और बहुत जब ठंडा हो जाए तो इतने मज़े का लगता है बिल्कुल लगता है कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं और कोशिश करें कि बीटर से ना बीट कर लें कस्टर्ड को इससे इसमें लम्स नहीं आते कोई फिर ये मैंने फ्रीज़ करने रख दिया था इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लगता है यहाँ पर मैं ज़रा सी सिनेमेटिक्स बनाने की कोशिश करेगी सैलेड की तो ये वो है और थोड़ी सी सैलेड बना ली थी सिंपल बिल्कुल सिंपल सी है ये और इसके साथ यहाँ पर कोई दिल नहीं चाह रहा था हल्का खाने का दिल चाह रहा था तो यहाँ पर आलू की कतलिया और शिमला मिर्च जो बनती है आलू शिमला मिर्च की भुजिया वो बना ली थी और उसके साथ दही तो आजकल ऐसे ही चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाले वाला खा के आ, हैवी हो जाता है इसलिए कभी लाइट चीज़ों का भी दिल चाहता है तो यहाँ पर इसके साथ दही और दही मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसके साथ ज़रूर खाती हूँ तो इससे स्किन भी बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पर ये यह हो गया था बिल्कुल ठंडा और इसको मैं निकाल ली थी तो कोशिश करें कि आपका जो कस्टर्ड है उसको थोड़ा गाढ़ा बनाएं तो उससे वो इतने मज़े का स्कूप टाइप निकलेगा और ऐसा लगेगा आइसक्रीम खा रहे हैं तो यहाँ पर मैंने पूरा ले लिया था और बहुत बेस्ट कस्टर्ड बना था ये बहुत ज़्यादा बेस्ट था और मज़ेदार सा मुझे अभी भी रहा है कि मैं दोबारा इसको बनाऊं और आप लोग ऐसी ट्राई करके देखें और बना के रख लिया करें इससे बहुत अच्छा रहता है और कभी कोई मेहमान आए तो ये झटपट सा एक डिज़र्ट है फिर ये है रात का क्लिप और रात में यहाँ पर बनते पुलाव और ये है मटन पुलाव तो सिंपल ये मेरी मदर ने बनाया था तो इसकी रेसिपी तो मैं आप लोग को नहीं बता सकती क्योंकि उन्हीं को पता है और अगर आप लोग को किसी भी मेरी चीज़ की किसी की भी रेसिपी चाहिए होती है जो आप लोग वीडियो में देखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ और यहाँ पर ये जो है ये है खोको और बहुत मज़ेदार सा फिर शाम में दिल चाह रहा था कुछ ऐसा खा लें शाम नेक्स्ट डे का क्लिप है ये और नेक्स्ट डे भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ खा लूँ और इस तरीके का तो फिर यहाँ पर मैंने कोकोमो ले लिया था और कोकोमो मुझे भी दो ये एक बहुत मज़े का बचपन की याद है इससे और बहुत मज़े का लगता है ये तो फेवरेट है भी मेरा और आजकल मैं यही खा रही हूँ और फिर ये है दोपहर का क्लिप और जिसके मैंने बताया था नेक्स्ट डे मैंने कोकोमो खा लिया था उसके बाद सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में खा लिया था ये तो और कुछ दिन नहीं चाह रहा था तो मैंने मिल्क के साथ वो खा लिया था फिर यहाँ पर ये यह कड़ी बनाई थी अच्छा कड़ी का कलर जो है वीडियो में इतना सही नहीं आ रहा है वैसे ओरिजिनल इसका कलर बहुत प्यारा था मैं कोशिश कर रही थी कि कलर आ जाए लेकिन आया नहीं तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग जो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें इससे मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग की और अच्छी वीडियोज़ बनाओ थैंक यू फॉर वॉचिंग